मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स। सामान्य अध्ययन में बहुत बड़ा रोल होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। जनवरी, 1 जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ईयरली करंट अफेयर्स के नाम से है। उसी में ये आगे का ऐड होगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि 12 फाइल में हमने एक करंट अफेयर्स के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे। ये नोट्स भी आप ले सकते हो। इसकी कॉस्ट केवल 50 रुपीज है, 4 महीने का। जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने पहले भी कंटेंट लिया है, वो हमें व्हाट्सएप कर दे, उनके लिए पूरी तरीके से फ्री है। और जो लोग पेड कोर्सेज में, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नवंबर 2019 से लेकर के आप देखेंगे कि फरवरी 2020 तक है। और जो लोग बीईओ और आरओ के लिए हैं, उनके लिए अलग से 1 महीने का और भी करंट तैयार करके दे दिया जाएगा। 15 से 20 दिनों का करंट अफेयर्स जो बाकी रह रहा है बीईओ के लिए स्पेशली, वो अलग से दे दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। मित्रों, माफी चाहूंगा, कुछ दिनों से वीडियोस आ नहीं रही थी। इसमें हम एक नई टीम तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपके साथ जो है 4-5 और एजुकेटर जुड़ेंगे और एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग आपके साथ आएंगे, जिसमें सभी कोर्सेज, सभी क्लासेज आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अकेले मैं थोड़ा वीडियोस पूरी तरीके से बना नहीं पा रहा था। आइए, इसको करंट अफेयर्स को हम अल्टरनेट डे पर इसको खत्म करेंगे। लगभग 10 दिन में आपका पूरा करंट अफेयर्स जो है कवर हो जाएगा, जो कि बीईओ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ आरओ जो 2016 है, उसकी परीक्षा जो 3 मई के है, उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो लोग भी 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। यूपीपीसीएस 2020 में बहुत सारे पद आने वाले हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, 1200 से अधिक अध्याचन जो है आपको जो वैकेंसी आएगी, 1600 से अधिक अध्याचन आ चुके हैं। 1200 से अधिक जो है वैकेंसी आएगी, जिसमें एसडीएम की 100 से अधिक सीटें हैं और नायब तहसीलदार की 400 से के आसपास सीटें हैं, जिसमें से 250-300 इसी बार आपकी परीक्षा में रहनी है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसमें 43 टॉपिक्स होंगे आपको पढ़ने के लिए। आप जनवरी से लेकर के नवंबर तक के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वो देख लें। इस भी प्रॉपर जो है, ये मुश्किल से 40 से 50 मिनट की वीडियो होगी। और इसमें आप देखेंगे कि 43 टॉपिक्स जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके सभी 4 से 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी इसमें मेंशन की गई है। दोस्तों, इसके साथ आप एक मैगजीन ले लेंगे, कोई भी मैगजीन। आप मंथली पढ़ते होंगे या एनुअल पढ़ते होंगे, जो भी पढ़ते होंगे, तो आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। 2019 के पीसीएस परीक्षा में हमारे पूरे नोट से आपको 22 प्रश्न आए थे करंट अफेयर्स से, जिसमें से 18 क्वेश्चन सीधे सीधे वहीं से आए थे। तो इस करंट अफेयर्स के नोट्स को आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो एयर इंडिया ने अपने विमान पर एक ओंकार चिन्ह लगाया है। एक ओंकार चिन्ह क्यों लगाया दोस्तों, तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, बाबा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एयर इंडिया ने अपने एक विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पर सिख धार्मिक प्रतीक एक ओंकार, एक ओंकार का जो अर्थ होता है दोस्तों ओम, ये सभी धर्मों में आप मानेंगे कि ये दुनिया की पहली ऐसी साइंटिफिक साउंड माना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और पीस प्रदान करने वाला होता है। तो ये हिंदू धर्म का प्रमुख प्रतीक है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि सिख धर्म में है और भी अन्य धर्मों में भी इसका बहुत सारा महत्व है। तो ये प्रतीक लगाया गया दोस्तों। और भी चीजें यहाँ पर हुई जो हम अलग से देखेंगे कि क्या क्या और भी है। तो 550वीं जयंती काफी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में इस दिन जो है कई चीजें हुई हैं, आगे चल करके आप देखेंगे। तो गुरु नानक जयंती के ऊपर में जो है गुरुद्वार 9 नवंबर को आगे आपको मिल जाएगा। वो 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खोला गया 2019 में। और साथ ही साथ जो है 3 जो पीठे हैं आपकी साहिब पीठे, उनका भी अनावरण किया गया। वहां पे जो सिख कम्युनिटी है, उसके लिए काफी प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए गए। लगभग 10 से 15 देशों के सिख कम्युनिटीज जो है वो उसमें पार्टिसिपेट की दोस्तों। तो ये पहली जानकारी, इसको हम रिवाइज भी करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स आपका एकदम भी गलत ना हो। और एक मैगजीन ले लेंगे इसके साथ, तो आपकी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी दोस्तों, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के साथ, दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये, केंद्र सरकार
निर्भया फंड के साथ सभी जिलों में करेगी मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना। तो निर्भया फंड क्या है दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, इन सभी मुद्दों को देखेंगे दोस्तों। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये, तो केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये निर्भया फंड बनाया गया है दोस्तों। निर्भया फंड की सहायता सभी जिलों की सहायता से सभी जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना की जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, महिलाओं को, या जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है उसके माध्यम से इधर उधर सेल किया जा रहा है, गलत तरीके से भेजा जा रहा है, ड्रग दे करके प्रोस्टिट्यूशन में उतारा जा रहा है। तो इन सभी को रोकने के लिए एक मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना सभी जिलों में की जाएगी दोस्तों। मानव तस्करी रोधी इकाइयों के साथ सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना जो है 100 करोड़ की लागत से की जाएगी। तो ये आप दो पॉइंट याद रखेंगे कि मानव तस्करी रोधी इकाइयां सभी जिलों में, और इनकी सहायता के लिए पुलिस स्टेशनों में क्या की जाएंगी, महिला सहायता डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिसकी कॉस्ट होगी दोस्तों 100 करोड़ रुपए। तो ये दूसरा पॉइंट रहा दोस्तों। निर्भया फंड के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आ सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा 2013 में 1000 करोड़ रुपए के साथ निर्भया फंड का की स्थापना की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या है, देश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु उपाय में वृद्धि करना। तो इसके द्वारा जो है पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क स्थापित किया जाएगा, और साथ ही साथ तस्करी रोधी इकाइयां जो है सभी जिलों में स्थापित की जाएंगी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की गई 1000 करोड़ के साथ, 1000 करोड़ रुपए के साथ जो है इस फंड की स्थापना की गई दोस्तों। आइए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, कानूनी सेवा दिवस। कानूनी सेवा दिवस जो है ये 9 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। सभी नागरिकों को कानूनी सहायता सुनिश्चित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था, इसकी थीम थी, इसकी शुरुआत जो है 1955 में हुई है। तो एक छोटा सा प्रश्न यहां से बन सकता है। शाला दर्पण, आइए देख लेते हैं चौथा पॉइंट दोस्तों, शाला दर्पण पोर्टल क्या है दोस्तों। तो ये नवोदय विद्यालय समिति हेतु शाला दर्पण पोर्टल जारी किया गया है दोस्तों। इसको जारी कौन करता है दोस्तों, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसे जारी करता है। शैक्षणिक व प्रशासनिक आवश्यकताओं के हेतु एकीकृत, जो इसको इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी इनकी नीड्स होंगी उनको फुलफिल करने के लिए ये शाला दर्पण पोर्टल तैयार किया गया है दोस्तों। MHRD द्वारा इसको तैयार किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1989 के आधार पर हुई है दोस्तों, और यहां से बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन, जो ऐसा तबका है जो उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन या जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के आपका इंटरमीडिएट तक, अगर कम कॉस्ट में, यानी कि बहुत ही एफिशिएंट कॉस्ट है इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है बहुत सारे ऐसे जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए, और बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला, जन प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। जन प्रसारण दिवस 12 नवंबर को, इस दिन महात्मा गांधी ने 1947 में प्रथम बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है 8 जून 1936 को हुई थी दोस्तों। तो 12 नवंबर को क्यों मनाया जाता है जन प्रसारण दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी पहली बार स्टूडियो में आए। आठवां देख लेते हैं दोस्तों, आठवां टॉपिक क्या है, सातवां टॉपिक स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, ये सर्वेक्षण काफी महत्वपूर्ण है, यहां से आपके फैक्ट्स आ सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग प्रश्न भी बना रहे हैं, लगभग 200 से अधिक प्रश्न जो है इस महीने से कवर किए जाएंगे। पिछले जो 500 प्रश्न है वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं, टोटल 700 प्रश्न हो जाएंगे पूरे, आपको इससे बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019, इसकी शुरुआत भारतीय रेल द्वारा की गई है। सर्वेक्षण में शामिल स्टेशनों की संख्या जो है 720 है। गैर उपनगरीय श्रेणी के तहत जो है टॉप पर रहे हैं जयपुर, पहले पर है, दूसरे पर जोधपुर है, और तीसरे पर दुर्गापुर है। तो ये टॉप 3 है दोस्तों, पहले पर जयपुर है, दूसरे पर जोधपुर, और तीसरे पर दुर्गापुर है। उपनगरीय क्षेत्रों में आप देखेंगे तो टॉप पर अंधेरी है, अंधेरी महाराष्ट्र का एक स्टेशन है वो टॉप पर है दोस्तों, दूसरे पे विरार है, और तीसरे पे नयागांव है।
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिरार और नायगांव कहां पर है। आप इस वीडियो को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे जिससे कि और भी चीजें जो आप इसमें चाहते हैं करंट अफेयर्स में और हमारी टीम से आपकी क्या डिमांड है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों जोनों में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो है पहले स्थान पर रहा है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो है वो पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 18 जोन हो चुके हैं दोस्तों, 18वां जो जोन है वो अब वो कहां पर है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं और इसकी स्थापना जो है ये बताएंगे आप उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है इसमें देख लेंगे, शाहजहांपुर पहले स्थान पर रहा, समग्र रैंकिंग में इसका 21वां स्थान है। तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का पहला टॉप पर है और अगर इसकी टोटल रैंकिंग देखी जाए तो इसका स्थान जो है 21वां है। पहले स्थान पर गैर उपनगरीय श्रेणी में जयपुर है और उपनगरीय श्रेणी में पहले स्थान पर अंधेरी है। दोस्तों अंधेरी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, इंडिया करप्शन सर्वे 2019, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों सर्वेक्षण जो है लोकल सर्किल नामक सोशल मीडिया फर्म तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किया गया। तो इंडिया करप्शन सर्वे 2019 किसके किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये किया गया लोकल सर्किल के द्वारा जो कि एक सोशल मीडिया फर्म है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आपने बार बार नाम सुना होगा। जितने भी करप्शन से रिलेटेड सर्वे होते हैं या अन्य सर्वे ये जारी करता है। सबसे भ्रष्ट राज्य देखेंगे भारत में तो राजस्थान है दोस्तों, टॉप पर है, दूसरे पर बिहार है और तीसरे पर अपना उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश भी इसमें अपना स्थान लगातार बनाए हुए है, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर उत्तर प्रदेश और झारखंड संयुक्त रूप से है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर के जितने भी राज्य हैं उसमें करप्शन की बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है, करप्शन बहुत ज्यादा है। सबसे कम भ्रष्ट राज्य जो है वो दक्षिण के राज्य आपको मिलेंगे, केरल है टॉप पर, उसके बाद गोवा है, उसके बाद गुजरात है। दोस्तों सबसे कम भ्रष्ट राज्यों में केरल, गोवा और गुजरात है और सबसे अधिक राज्य जो भ्रष्ट है वो कौन सा है दोस्तों, वो राजस्थान है, उसके बाद आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश और झारखंड संयुक्त रूप से तीसरा स्थान बनाए हुए हैं। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, अगले टॉपिक में क्या है और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आरटीआई के दायरे में आ गया। तो सॉरी कार्यालय, मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय जो है आरटीआई के दायरे में लाया गया दोस्तों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस बड़े से पद को अगर आरटीआई के दायरे में लाया जाता है तो ये बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए और भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा यह निर्णय लिया गया दोस्तों, जिसमें अध्यक्षता जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे, उन्होंने की थी। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, पिछले वीडियो जो लोग भी देखे होंगे, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इसको याद कर लें, यहां से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना रहेगी। आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो है लगातार साल भर का पूछा जा रहा है, लेकिन इधर 4 महीने के करंट अफेयर्स पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, जहां से प्रश्न ज्यादातर आते हैं। 70% प्रश्न जो है वो आपको इन्हीं 4 महीनों से मिलेंगे अगर आपका आगे कोई एग्जाम होता है तो, और नहीं तो पूरे साल का करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ा करें जिससे कि आपके प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना हो। जारी करता जो है इसको कौन जारी करता है, तो स्वास्थ्य सुधार पर रिपोर्ट जो है वो जारी करता है नीति आयोग। स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया दोस्तों, 4 फोकस क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसमें 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया दोस्तों, कौन कौन से होंगे, पहला है अधूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडा, उसको पूरा करना, और स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले धन की बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ये दो हो गए टॉपिक दोस्तों। तीसरा हम देख लेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं की एकीकृत करना, जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको इंटीग्रेट करना दोस्तों, और नागरिकों को सशक्त बनाना, इंपावर करना नागरिकों को, उनको जागरूक बनाना, उनको अपनी चीजों के लिए जो वो जैसे बीमा कंपनियां हैं या स्वास्थ्य जो भी प्रोवाइड कराती हैं वो जो है बहुत ठगती हैं अपने कंज्यूमर को, उनको सशक्त बना करके इन सेवाओं के लाभ लेने के लिए प्रेरित करना। तो पहले 4 फोकस जो क्षेत्र हैं
उनको हम देख लेंगे। पहला है अधूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडा, दूसरा है स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले धन में बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाना, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना और चौथा है नागरिकों को सशक्त बनाना। दोस्तों आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको सभी को कवर किया गया है। दोस्तों वार्षिकी में आप देखेंगे जो ये पूरा जो है, अगर कंटेंट आप ले लें तो जनवरी से लेकर के फरवरी तक आपके पूरे करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। जो भी कोई एग्जाम आगे होता है उसमें आपकी बहुत सारी मदद मिलेगी। सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2018, तो सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2018 को कौन जारी करता है दोस्तों? तो इसको जारी करता है केंद्रीय सड़क परिवहन तथा उच्च मार्ग मंत्रालय। तो केंद्रीय सड़क परिवहन जो है वो इसको जारी करता है दोस्तों। इसमें कितनी मृत्यु हुई है 2018 की ये रिपोर्ट है दोस्तों, 2019 में जारी हुई है, 151,417 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। कारण जो है इसमें कारण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि मैं अभी मैराथन वीडियो लाने वाला हूं मुख्य परीक्षा पर, मुख्य परीक्षा पर मैराथन वीडियो आपके 4 आएंगे और 6 आएंगे इस बार। इस बार आपके एसए पे भी आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जो लोग भी इस बार मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सभी एग्जाम में। तो इससे के लगभग 20 टॉपिक जो होंगे उसमें कवर किए जाएंगे दोस्तों। 20 टॉपिक को एक साथ में वीडियो बनाऊंगा, साथ ही साथ आपके हिंदी, जनरल हिंदी के लिए भी एक मैराथन वीडियो और 4 मैराथन वीडियो आपके जनरल स्टडीज के लिए, टोटल 6 मैराथन वीडियो आपके 3-3 घंटे के लिए जल्द ही आपको 15 मार्च तक मिल जाएंगे दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं बताना ये क्या चाह रहा था कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं जो आप प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ते हो उसको कैसे मुख्य परीक्षा में यूज करोगे, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समस्या होती है इंटीग्रेट करने में, और लोगों को मतलब फैक्ट्स पता है उसको कैसे यूज करना है ये नहीं पता रहता है, मुख्य परीक्षा में काफी समस्याएं होती हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। भाई एक बार फिर से देख लेते हैं, सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2018, जारी करता कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन तथा उच्च मार्ग मंत्रालय, और मृत्यु इसमें 151,417 लोगों की हुई है। इसका कारण क्या है? मानवीय चूक, सड़कों व वाहनों की स्थिति जो है खराब है, ये जो है हुआ है। तो मानवीय चूक सबसे टॉप पर है, सड़कों और वाहनों की जो स्थिति है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे है। ब्राजीलिया जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित घोषणा पत्र है, तो ब्राजीलिया घोषणा पत्र जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय एक घोषणा पत्र है दोस्तों। तो आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं, फास्ट टैग, ये भी काफी चर्चा में रहा है। और सभी जितने भी पोर्टल्स है या जो भी आपके टोल प्लाजा है वो सभी को फास्ट टैग से जोड़ दिया गया है दोस्तों। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। तो फास्ट टैग क्या है दोस्तों? फास्ट टैग क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। संचालन करता इसका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दोस्तों। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का प्रयोग किया गया है इसमें। 1 दिसंबर 2019 से सभी निजी व वाणिज्यिक वाहनों में अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसको अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, आपको टोल से आप गुजर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका जो पैसा है, जो पेमेंट है वो कट जाएगा। और ये काफी अच्छा होगा क्योंकि ट्रैफिक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारे टोल प्लाजा पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी करती थी, उसके लिए ये बहुत ही सुगम हो जाएगा। 15 दिसंबर 2019 तक इसको पहली बार बढ़ाया गया था, अब 15 जनवरी 2020 तक इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। 1 दिसंबर 2019 से सभी निजी व वाणिज्यिक वाहनों में अनिवार्य बनाया गया था, जिसको बढ़ा करके अब 15 जनवरी तक कर दिया गया था, अब वो 15 जनवरी के बाद जो है कंपलसरी हो गया है दोस्तों। अगला हम देखते हैं दोस्तों, फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम। फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम ये क्यों है, क्यों लॉन्च किया गया, इसको आइए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी। स्कूल रैंकिंग 3 श्रेणियों में विभाजित होंगे, पहला फिट इंडिया स्कूल, दूसरा फिट इंडिया 3-स्टार स्कूल और तीसरा हम देखेंगे तो फिट इंडिया 5-स्टार स्कूल जो है
ये तीन श्रेणियां इनकी बनाई जाएंगी और इनको सम्मानित किया जाएगा, इनको और भी पुरस्कार और सहायता दी जाएगी जिससे कि यह और भी स्कूली सिस्टम को अपने अच्छा कर सके। यह प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला हम देख लेंगे टॉपिक कर्तव्य पोर्टल। कर्तव्य पोर्टल क्या है दोस्तों? तो 70वें संविधान दिवस पर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री द्वारा MHRD द्वारा इसे जारी किया गया। लोगों के मूलभूत कर्तव्यों के बारे में अवगत कराना इसका कर्तव्य जो है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह आर्टिकल जो है 51A में है। उसमें 11 आपके मूलभूत कर्तव्य दिए गए हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको बताया गया है और उसको कैसे पालन करना है। इन सभी मुद्दों पर आप जो है संविधान दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत, आत्मार्पित और गिवन टू अस किया गया था। तो 26 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2020 के बीच नागरिक कर्तव्य पालन अभियान चलाया जाएगा दोस्तों, जिसमें फंडामेंटल जो ड्यूटीज है अपनी कि हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबका सम्मान करना, लोगों के जो भावनाएं हैं उनके साथ जो है, महिलाओं से संबंधित जो भी ऐसे प्रावधान है, जो भी ऐसे अभी रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको हतोत्साहित करना, हिंसा से दूर रहना। तो आज देख रहे हैं आप पूरी दिल्ली में हिंसा जो है बहुत बुरे स्तर पे, 4 जो मुख्य सिटीज हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं दिल्ली के अंदर, वहां पे बहुत विवाद चल रहा है। तो हम नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धर्म के आधार पर नेता जो है वो आपको उकसाएंगे, बरगलाएंगे, लेकिन हमें कभी भी हिंसा का साथ नहीं देना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य में बताया गया दोस्तों। तो जितने भी लोग हैं दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली में हैं, जहां पर विवाद हो रहा है, जहां पर बवाल हो रहा है, कम से कम उससे दूर रहें। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको चिन्हित करके पुलिस को बताएं, उन्हें समझाएं, ये लोग भाड़े के गुंडे होते हैं, इनको अपना व्यक्तिगत और पर्सनल जो है वो एजेंडा चलाना होता है, इस वजह से ये हिंसाएं हो रही हैं। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, संप्रदाय के हो, आपको इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये कर्तव्य पोर्टल यही समझाने के लिए 1 साल का अभियान चला रहा है, 26 नवंबर 1919 से 26 नवंबर 1920 तक ये पूरा नागरिक कर्तव्य पालन अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। तो ये MHRD द्वारा, मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये शहरी है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अन्य प्रोग्राम है जैसे कि UPPCS मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ARO-16 BEO के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है जो एसे है, कंटेंट है, जितने भी मेंस के लिए, प्री के लिए आपके कंटेंट है वो आप हमसे ले सकते हैं। इन सभी के लिए आप हमें 8802913517 पर व्हाट्सएप करके ये पूरी डिटेल ले सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, ये अर्बन है दोस्तों, इसके बारे में क्या मुख्य बातें हैं उसको देख लेते हैं। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। शहरी निर्धनों के लिए 3.31 लाख घरों का निर्माण की मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 2020 तक 1.12 करोड़ घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय जो है इसमें केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय इसे पूरी तरीके से नोडल एजेंसी है इसके लिए। मिशन की अवधि जो है 2022 तक सभी के लिए आवास, ये काफी जो है एस्पायरिंग और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, जिसमें हर घर नल का जल, आप देखेंगे सौभाग्य योजना के तहत बिजली प्रदान करना, हर घर नल का जल और ये आवास प्रदान करना 2022 जो है सभी के लिए लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी इस पे दी गई है दोस्तों, जो ये शहरी योजना है प्रधानमंत्री आवास जो है योजना जो शहरी है उसमें 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक रुपए की सब्सिडी दी गई है, जिसमें टारगेट क्या रखा गया है सभी के लिए आवास मुहैया कराना 2022 तक। इसकी नोडल एजेंसी जो है केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय है दोस्तों। अगला टॉपिक देख लेंगे दोस्तों, भावनगर CNG पोर्टल टर्मिनल। तो भावनगर में CNG पोर्टल टर्मिनल खोला गया दोस्तों, इसके बारे में आइए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। 1900 करोड़ रुपए के निवेश से CNG टर्मिनल की मंजूरी दी गई है। यह विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल होगा दोस्तों। CNG भी है और पोर्ट टर्मिनल है, यानी कि यह आपके किनारे पर है,
यानी कि समुद्री टच कर रहा है, ये पोर्ट पर है, भावनगर आपको पता ही है गुजरात में है, भावनगर गुजरात में, और यहाँ पे पोर्ट टर्मिनल बनाया गया है सीएनजी का। यह विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल होगा। सीएनजी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें गैसीय रूप में मीथेन होती है, इसको सीएनजी कहते हैं दोस्तों। भावनगर, भावनगर गुजरात में है दोस्तों, तो यहां पर पहला विश्व का सीएनजी पोर्ट टर्मिनल खोला गया है दोस्तों। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु जो है ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन इसका किया गया। यह इसकी स्थिति कहां पर है दोस्तों, तो यह पूर्वी लद्दाख में है। तो लद्दाख जो है अब यूटीज हो चुकी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो वहां के इस समय जो है प्रशासक कौन है या उप गवर्नर कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के प्रशासकों के नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस सेतु का निर्माण श्योक नदी पर हुआ है। तो श्योक किसकी सहायक है दोस्तों, तो श्योक जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। इस सेतु का निर्माण सीमा संरक्षक संगठन द्वारा किया गया है। 430 मीटर लंबा पुल है, ये काफी ऊंचाई पर है दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में है और यह श्योक नदी पर बनाया गया है, काफी महत्वपूर्ण है। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु, इसका नाम क्या है दोस्तों, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु, कहां पर बनाया गया दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में। और यह किस नदी पर बनाया गया है, श्योक नदी पर। श्योक किसकी सहायक है, तो वो ब्रह्मपुत्र की है। कौन सा मंत्रालय इसको देख रहा है, तो मंत्रालय तो नहीं, इसमें सीमा सड़क संगठन द्वारा इसको जो है बॉर्डर जो है रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों, तो रक्षा मंत्री जो है वर्तमान वो राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। और इसका नाम क्या है, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से प्रश्न आ सकता है आपका, ये पूर्वी लद्दाख में है। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, भारत हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला देश बना है। तो पहला प्रथम देश संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल हो गई है, द्विपक्षीय समझौते द्वारा इसको किया गया है दोस्तों। तो हज जो सब्सिडी मिलती है, हज करने जो हमारे भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं उनके लिए ये पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है, यानी कि डिजिटल हो गई है। सभी कुछ आप जो है ऑनलाइन आवेदन के साथ जो है आप सर्टिफिकेशन और किसको परमिशन मिल रही है वो भी, और इनकी जो है शेयर भी बढ़ा दिया गया है कि ज्यादा लोग अब जा रहे हैं हज करने। तो ये हज से संबंधित एक अच्छी न्यूज है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल को आइए डिटेल में देखते हैं दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है। हर बार मनाया जाता है, तो कहां मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन लोग इसको मनाते हैं, आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। यह 20वां संस्करण था हॉर्नबिल फेस्टिवल का, यह 20वां संस्करण था दोस्तों। कहां पर मनाया गया, नागालैंड, उत्तर पूर्व का नागालैंड एक महत्वपूर्ण राज्य है। नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित त्योहार है, ये प्रतिवर्ष कराया जाता है। राज्य की पारंपरिक और समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करने का कार्यक्रम है यह। जनजातियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, सिटी टूर, नाइट कार्निवल, कला प्रदर्शनी आदि इसमें की जाती है दोस्तों। तो यह हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है दोस्तों, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। यह कौन सा था, यह तो 20वां संस्करण था दोस्तों, 20वां संस्करण नागालैंड द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों। आइए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदला, रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसका नाम बदल दिया गया है रेलवे द्वारा। तो यह अब नाम क्या हो गया है और क्या है इसकी खासियत, आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अब यह भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा हो का नाम से जाना जाएगा, तो अब इसको इंडियन रेलवे जो सिक्योरिटी फोर्स सर्विस इसको जाना जाएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इंडियन रेलवे सिक्योरिटी फोर्स सर्विस के नाम से इसको जाना जाएगा। इस बल को रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा व संरक्षा हेतु संसद द्वारा गठित किया गया है। यह बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन है। तो यह बल किसके अधीन है दोस्तों, तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। इसकी स्थापना जो है 27 जुलाई 1984 में की गई थी और इसका आदर्श वाक्य क्या है ये भी आप जान लें, तो आपसे यहां से जो भी प्रश्न आएंगे सेवा और निष्ठा जो है इसका आदर्श वाक्य है। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों, उजाला और SLNP योजना के 5 साल पूरे। तो ये योजनाएं क्या है,
इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। उजाला पहल से देश भर में 36.13 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिजली बचाने में ये काफी योगदान देता है। अगर आपके घरों में भी CFL या जो कन्वेंशनल बल्ब यूज हो रहे थे तो आप भी एलईडी का प्रयोग करें, इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी, बिजली का बिल भी कम आएगा और रोशनी भी ज्यादा मिलेगी। प्रतिवर्ष 46.92 बिलियन किलोवाट घंटे अनुमानित ऊर्जा की बचत की गई है दोस्तों। तो देखिए कितनी ज्यादा ऊर्जा की बचत की गई है। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जो दूसरा है SLNP द्वारा 1.03 करोड़ से अधिक एलईडी लगाई गई। योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2015 को की गई थी और इसके 5 वर्ष पूरे हो गए स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम और उजाला स्कीम के माध्यम से एलईडी बल्बों का वितरण किया गया दोस्तों। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन, स्थान इसका कहाँ है? नई दिल्ली रामलीला मैदान में इसका व्यापारी सम्मेलन संगठन का उद्घाटन किया गया। इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयोजन इसका अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ द्वारा किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य हेतु पर चर्चा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में रामलीला मैदान पे, जहां पे अरविंद केजरीवाल ने अपनी अभी हाल ही में उन्होंने शपथ ली, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने अपनी शपथ ली रामलीला मैदान में, वहीं पर राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। इसका आयोजन अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य जो है $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य हेतु चर्चा करने के लिए इसको आयोजित किया गया दोस्तों। कहां पर आयोजित किया गया? रामलीला मैदान नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश पहला राज्य, तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला प्रथम राज्य है ये। यह कवायद उसकी उनकी भी पहचान करेगा जो राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं। तो CAA क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हो, और इस पे मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो CAA क्या है इसका फुल फॉर्म पहले आपको जानना होगा। जितने भी आप टर्म सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनकी छोटी छोटे फुल फॉर्म है, उनको याद कर लें। जैसे कैब क्या था? तो ये बिल था, बिल जो है एक्ट बन गया। तो जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो एक्ट बन गया, तो ये CAA हो गया। साथ ही आपके पास NPR है, ये क्या है? NRC क्या है? इसको भी आपको जानना है। CAA क्या है, NPR क्या है, NRC क्या है, और सेंसस भी आने वाला है, तो सेंसस क्या है? इन सभी की परिभाषा आप याद रखेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आपसे प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में कहीं भी पूछा जा सकता है। CAA 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं मानेगा। अब ये इनको नागरिकता देने का प्रावधान है। इसी के द्वारा इसमें 6 धर्म शामिल है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन सभी धर्मों के जो अल्पसंख्यक हैं, और वो मुख्यतः 3 देशों से जो आए हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो उनको जो है नागरिकता देने का प्रावधान है। राष्ट्र के ने 71वां गणतंत्र दिवस मनाया, तो 71वां गणतंत्र दिवस जो काफी महत्वपूर्ण है, इसमें कौन कौन से प्रमुख ऐसे फैक्ट हैं जिनको हमें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो मुख्य अतिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेयर मेसियम बोलसोनारो, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, परेड कमांडर कौन है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। पहली बार CRPF की महिला बाइकर्स की टुकड़ी ने साहसी स्टंट किए, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको इसमें 3 फैक्ट जरूर, ये कौन सा गणतंत्र दिवस था दोस्तों? 71वां
कौन लोग मुख्य अतिथि कौन रहे, तो जेयर मैसियम बोलसोनारो। परेड कमांडर कौन रहे, तो लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। ये थे पहली बार सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स की टुकड़ी ने साहसी स्टैंड किए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, गति पोर्टल। गति पोर्टल क्या है इसको डिटेल में देखेंगे और इससे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। तो गति पोर्टल क्या है, लॉन्च करता केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गति पोर्टल लॉन्च किया गया। नितिन गडकरी द्वारा 3,00,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की निगरानी हेतु इस गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से आप एक एक जानकारी ले सकते हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय क्या क्या कर रहा है, कहां कर रहा है, कब करेगा और कब तक सड़कें कहां कहां बनाई जाएंगी, इन सभी के बारे में यहां पर डिटेल जानकारी मिल जाएगी आपको। गति पोर्टल GATI गति पोर्टल पे दोस्तों। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा यात्रा, तो नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा यात्रा जो है 5 दिवसीय गंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के बिजनौर और बलिया से शुरू हुई दोस्तों। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा यात्रा तो उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दोस्तों इसको डिटेल में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बिजनौर में इसका शुभारंभ किया। तो तीन लोग यहां पर मौजूद रहे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिजनौर में यह शुरू हुआ और संजीव बालियान जो है इसमें उपस्थित रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, इसे पूर्वी यूपी बलिया में लॉन्च किया। तो बलिया में और बिजनौर में दोनों बॉस है दोस्तों, तो आप इसको याद रख लेंगे। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो महेंद्रनाथ पांडे और बिहार के डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी, तीन लोगों ने बलिया में और तीन लोगों ने बिजनौर में, योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत, संजीव बालियान, ये तीनों लोगों ने इसको बिजनौर में लॉन्च किया। ये क्या है दोस्तों, 5 दिवसीय गंगा यात्रा बिजनौर और बलिया में, और यह जो है इसके तहत जो है गंगा को स्वच्छ करने और गंगा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह फैक्ट और जितने भी चीजें हैं वो आपको कई भी जगह भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत जो है 2018 को महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई, 2008 में दोस्तों की गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता के बारे में जागरूकता इसको फैलाना होता है इसका मुख्य उद्देश्य। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, बार बार कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ये सभी आप जरूर याद रखेंगे। आगे अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि अगले पॉइंट में हमें कौन सी जानकारी मिलेगी, तो उसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे अन्य भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि UPPCS के लिए प्री मेंस का पूरा कोर्स चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ARO-16 के लिए चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, BEO के लिए चल रहा है, BEO के लिए जो भी वीडियोस बची हुई हैं, जो भी नोट्स बचे हुए हैं सभी आप शेयर कर दिए जाएंगे जल्दी, आपको 1-2 दिन के अंदर सभी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर खोला गया दोस्तों, तो भोपाल, मध्य प्रदेश की में भोपाल में खोला गया है दोस्तों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है दोस्तों। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से इसको स्थापित किया गया है। घरेलू व वाणिज्यिक दोनों इकाइयों के कचरे के पृथककरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए, तो आप देखेंगे इसको पहले सेपरेट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और इसको जो है निपटान इसका किया जाएगा, इसको पूरी तरीके से समाप्त करने का पूरा जो है सिस्टमेटिक प्लान किया गया। तो ये क्लिनिक है दोस्तों, देश की पहली क्लिनिक है, ई कचरा क्लिनिक कहां पर खोली गई है दोस्तों, तो ये भोपाल में खोली गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आप सभी को पता ही होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा। विषय इस बार इसका क्या था दोस्तों, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रेंजर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों,
इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, इसकी शुरुआत 2011 से की गई है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को बनाया जाता है और इसके द्वारा जितने भी भारत के नए मतदाता हैं या पुराने मतदाता हैं उन सभी को जागरूक किया जाता है और वोटिंग के लिए प्रमोट किया जाता है। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, तो विधेयक के बारे में, किसी मिशन पूर्वोदय मिशन पूर्वोदय क्या है दोस्तों? पूर्वी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात केंद्र के रूप में विकसित करना व त्वरित विकास करना जो है पूर्व का उदय करने के लिए मिशन पूर्वोदय लाया गया दोस्तों। यह एकीकृत इंटीग्रेटेड स्टील सेंटर के रूप में इसको विकसित करने के लिए मिशन पूर्वोदय लाया गया है। अनावरण जो है इसका कोलकाता में किया गया, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों? इस मिशन का नाम है मिशन पूर्वोदय। 75% से अधिक वृद्धिशील इस्पात को जोड़ने की क्षमता इसके द्वारा बढ़ाई जाएगी। रायसीना डायलॉग हाल ही में आप देखे होंगे, काफी चर्चा में था रायसीना डायलॉग, और यहां से प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। भाई इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। यह क्या है? ये मल्टी सेक्टोरल या मल्टी जो है बहुपक्षीय सम्मेलन है दोस्तों। पांचवां संस्करण इसका मनाया गया, स्थान नई दिल्ली रायसीना हिल, यानी कि अब दिल्ली केंद्र में मनाया गया पूरा। आयोजक जो है विदेश मंत्रालय व ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, तो ORF जो है इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया गया, विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसको मनाया गया। इसकी इस बार की थीम क्या थी दोस्तों? नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम थी दोस्तों। कहां मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। यह पांचवां संस्करण था, यह मल्टी मतलब कि बहुपक्षीय सम्मेलन है, और इसमें जो है भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसको आयोजित किया गया। वैश्वीकरण से जुड़ी चुनौतियां, एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे मुद्दे इसमें शामिल किए गए। इसको रायसीना डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए, इसका प्रारंभ जो है 2016 में किया गया था। अगला टॉपिक देख लेंगे दोस्तों, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम क्या है इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो उड़ान का चौथा दौर शुरू हुआ है दोस्तों। तो जो उड़े देश का आम नागरिक करके उड़ान एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी लॉन्च की गई है, जिसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और द्वीप समूहों पर ध्यान दिया जाएगा। तीन दौर के कार्य में 700 मार्गों का संचालन किया गया है। इसको लॉन्च जो किया गया था उड़ान स्कीम को, 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआत जो है 27 अप्रैल जो है 2017 को शिमला में की गई। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। उड़ान स्कीम जो है कनेक्टिविटी यानी कि जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी, और अफोर्डेबल जो है कम दरों पर लोगों को उड़ान मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका स्थान जो है मुंबई में है। मुंबई घोषणा पत्र, ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था दोस्तों? तो मुंबई में। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। मुंबई घोषणा पत्र को इसमें स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आयुष्मान भारत गवर्नमेंट रीप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग श्रेणी गोल्ड अवार्ड जो है इसको मिला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आयुष्मान भारत को। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा को नागरिक क्षेत्र में केंद्रित सेवा के लिए स्वर्ण पदक मिला है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। गोल्डन अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया? तो IIT रुड़की के कृषि सूचना प्रणाली को प्रदान किया गया है। इसको मुंबई घोषणा पत्र के रूप में अंगीकृत किया गया है। ई गवर्नेंस पर सम्मेलन है दोस्तों। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आयुष्मान भारत को संयुक्त रूप से गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग श्रेणी में गोल्डन अवार्ड मिला है दोस्तों। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा को नागरिक केंद्रित सेवा का स्वर्ण पदक मिला है दोस्तों, और साथ ही जो IIT रुड़की कृषि आधारित सूचना प्रणाली को गोल्डन अवार्ड से प्रदान जो है सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जितने भी सेवाएं हैं उनका जो है निगरानी करता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। आंध्र प्रदेश विधानसभा की राजधानियों के लिए विधेयक। तो आंध्र प्रदेश ने राजधानी कई भागों में बांटने की और कई जगह बनाने की बात की है। इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों।
तीन राजधानियां का विधान किया गया है, कार्यपालिका न्यायिक का प्रस्ताव पारित हो गया है और विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी यानी कि तीन राजधानियां यहां पर बनेंगी। विशाखापत्तनम को एग्जीक्यूटिव राजधानी के रूप में, अमरावती को जो लेजिस्लेटिव के लिए और कुरनूल को जुडिशरी के लिए। तो विशाखापत्तनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती है जो वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और कुरनूल जो है वो आपकी जुडिशियल कैपिटल होगी। ये आंध्र प्रदेश ने एक बिल पास किया है, तो विधेयक लाया है ग्रीन पीस रिपोर्ट 2018। ग्रीन पीस रिपोर्ट 2018 से संबंधित जितने भी हमें जानने वाली खबरें हैं उनके बारे में आइए इसको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, भारत में झरिया सबसे प्रदूषित शहर जो है, ग्रीन पीस रिपोर्ट 2018 के द्वारा क्या क्या हमें मालूम हुआ है उसको देखते हैं। दोस्तों, झरिया भूमिगत कोयले के आग के लिए जाना जाता है। 287 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर डेटा का विश्लेषण किया गया है इसमें ग्रीन पीस रिपोर्ट में। सबसे कम प्रदूषित भारत का शहर जो है लुंगलेई, जो कि मिजोरम में है। 10 प्रदूषित शहरों में 6 यूपी के हैं, नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद, ये सभी जो बड़े जो हमारे शहर हैं ये सभी इसमें शामिल हैं। तो टॉप पर है नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। महिला रोबोट व्योममित्रा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्योममित्रा का चित्र आप लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा, काफी शेयर किया गया। तो व्योममित्रा क्या है? इसरो द्वारा विकसित की गई एक रोबोट है। पहला मानव रहित मिशन में ह्यूमनाइड व्योममित्रा एक लेडी रोबोट है जो कि पहला मानव रहित मिशन में शामिल किया जाएगा। मापदंडों के माध्यम से निगरानी, जीवन समर्थन संचालन और स्विच पैनल संचालन में यह सक्षम इसको बनाया गया है। दोस्तों, इसरो द्वारा विकसित की गई है, यह जो है एक ह्यूमनाइड रोबोट है, व्योममित्रा इसका नाम है, लेडी रोबोट है दोस्तों ये। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों इसको, भारत के 10 वेटलैंड को रामसर साइट में टैग किया गया दोस्तों। तो अब जो है रामसर साइट की संख्या बढ़कर के 37 हो गई है, इससे पहले 27 थी। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। 10 आर्द्र भूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित किया गया, जिसमें से कई उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। मित्रों, हमारे अन्य भी प्रोग्राम चल रहे हैं, आप उससे जुड़ने के लिए 8802913517 पर व्हाट्सएप करके ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स के पूरे कंटेंट को आप परचेज कर सकते हैं। इस 4 महीने की पूरी कंटेंट की जो कॉस्ट है केवल 50 रुपीज है और पूरा करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं इसको 100 रुपीज में आप पूरा परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियोज भी, हमारे वीडियोज फ्री ही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 10 आर्द्र भूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित किए गए हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है प्रत्येक जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 से रामसर में पहला हुआ था, तो रामसर साइट इसको भी बोलते हैं और इसकी संख्या अब 37 हो गई है। कवर होने वाला क्षेत्र जो है 1 करोड़ जो है 1067939 हेक्टेयर जो है अब कवर हो रहा है। 2020 की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोग जो है इसमें 2019, 2020, 2021 तीन थीम आप जरूर याद रखेंगे वेटलैंड की। तीनों में वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी के अलावा जो है टर्म केवल बदले, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे 19 में क्या थीम थी और 21 की थीम क्या रखी गई है। 10 आर्द्र भूमियों को इसमें चयनित किया गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी 10 आर्द्र भूमियां इसमें चयनित हुई हैं जिनको हम याद रखेंगे, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंदूर, मध महेश्वर, ये जो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र की प्रथम साइट है नंदूर मध महेश्वर। दूसरा केशोपुर मियां, केशोपुर मियां जो है ये है। तीसरा है ब्यास संरक्षण रिजर्व, तो ये दोनों और नांगल तीनों, ये पहला तो है महाराष्ट्र में है, तीन जो है पंजाब के हैं, केशोपुर और ब्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल रिजर्व जो है ये तीनों जो है पंजाब में है। नवाबगंज, पार्वती अरंगा, सामना, पक्षी बिहार, समसपुर, सांडी और सरसई, तो ये सभी जो है आपके उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो टोटल जो है 5 स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थल जो है उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए हैं। तो नवाबगंज, पक्षी बिहार आपको पता ही है उन्नाव में है, पार्वती अरंगा ये गोंडा में है,
और सामना जो है वो पक्षी विहार मैनपुरी में है, समसपुर जो है वो रायबरेली में है, सांडी हरदोई में है और सरसई नाव झील जो है वो आपके इटावा में है। तो इन सभी नाम को आप याद रखेंगे। नांगल ब्यास केशवपुर पंजाब में है और नंदूर जो है वो आपके महाराष्ट्र में है। तो यह जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप जरूर याद रखेंगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य। सरकार ने 2020 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। कारण इसका कम कार्बन गहन मध्य अर्थव्यवस्था वाले स्वस्थ ग्रह के निर्माण में कुसुम योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 27 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, इसके माध्यम से अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, केरल में देश की पहली सुपर फैब लैब बनाई गई है दोस्तों। केरल स्टार्टअप मिशन के इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में लॉन्च की गई दोस्तों, और यह लैब हार्डवेयर उद्योग को बढ़ा पूरा देगा और अमेरिका के बाहर एकमात्र सुविधा है जो कि पहली सुपर फैब लैब बनाई गई है दोस्तों। यह लैब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साझेदारी से बनाई गई है दोस्तों, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है दोस्तों। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, बोडो मुद्दे को हल करने के लिए NDFPFD और ABSU के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ समझौता किया, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्प्यूट जिसको CDAD बोलते हैं, BTAD बोलते हैं दोस्तों, को पुनर्गठित करने के लिए आयोग बनाया गया था। यूनाइटेड बोडो पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन नामक समूह से भी समझौता किया गया है। इस समझौते से INDFD के 1550 आतंकवादी समर्पण करेंगे। तो इसके बारे में बोडो अकॉर्ड इसको बोलते हैं दोस्तों। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 750 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। 3 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। जो लोग भी सरेंडर करेंगे उनको पुनर्वास के लिए और उनको नौकरी देने का प्रावधान किया जाएगा। डेफ एक्सपो 2020 का उद्घाटन, ये स्थान इसका लखनऊ में है। उद्घाटनकर्ता जो है नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, हमारे प्रधानमंत्री ने। उद्देश्य जो है रक्षा क्षेत्र अग्रणी प्रौद्योगिकी को छत से नीचे लाना, प्रौद्योगिकियों को नीचे लाना, सरकार जो है निजी क्षेत्रों व स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उनको अवसर प्रदान करना। डिफेंस कॉरिडोर में शामिल जिले हैं उनको देख लेंगे, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ और कानपुर, ये एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यहां से भी इस बार भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। पांचवा भारत रूस सैन्य जो है औद्योगिक सम्मेलन जो है 14 समझौतों पर हस्ताक्षर इसी अवसर पर हुए। COP 13 जो है दोस्तों 17 फरवरी से 22 फरवरी तक यह आयोजित किया गया। आयोजन स्थल जो है भारत के गांधीनगर गुजरात में रहा और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए UN शिखर सम्मेलन इसको बोला गया। विषय जो है था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्टिंग द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम। तो यह प्रवासी जो पक्षियां हैं, पक्षी होते हैं, उनको वेलकम करने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको बनाया गया। इसका सुमंकर गिबी था, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो जीव है उसकी श्रेणी में आता है जो दोस्तों, और सर्वोच्च इसको सुरक्षा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के द्वारा इसको सर्वोच्च सुरक्षा दी जा रही है और भारत 3 वर्ष के लिए इसका प्रेसिडेंट नामित किया गया है। सुगम्य भारत अभियान क्या है दोस्तों, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इसकी शुरुआत जो है 3 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई। डेडलाइन इसकी मार्च 2020 तक बढ़ाई गई। उद्देश्य जो है सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाना है और लक्ष्य इसका 50% सरकारी भवनों में दिव्यांग हेतु सुगम में बनाना है जिससे कि उनको आवाजाही में आसानी हो। काम्या कार्तिकेयन देखेंगे दोस्तों ये कौन है और क्यों चर्चा में आई, इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। माउंट एकांका गुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की है ये। एकांका गुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कक्षा 7 की छात्रा है, मुंबई नेवी चिल्ड्रन स्कूल से ये पढ़ती है। काम्या कार्तिकेयन इनका
नाम है दोस्तों, माउंट एकांका गुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की है। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों, ये पूरे एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, पूरे कार्यक्रम को देख लेते हैं कि कैसे इसको हमने क्या क्या देखा। तो आइए 5 मिनट में मुश्किल से लगेगा इसको हम देख लेंगे कि हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में और क्या क्या जानकारी हमें मिली, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले नंबर पे हमने देखा एयर इंडिया ने अपने विमान पर एक ओंकार लिखा, ये 550वीं जयंती पर आयोजित किया गया, गुरु नानक जी के केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिए, निर्भया फंड को यूज किया गया तस्करी रोकने के लिए और पुलिस स्टेशनों में महिला सुरक्षा प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। शाला पोर्टल जो है वो नवोदय विद्यालय हेतु समिति एक बनाई गई, उसके लिए जारी किया गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। जन प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और स्वच्छ भारत जो है 2019 में टॉप पर जो है जयपुर और उपनगरी में अंधेरी और जोनों में उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, जिसका 21वां स्थान है। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 में लोकल सर्किल नामक मीडिया फर्म द्वारा इसको जारी किया जाता है। सबसे भ्रष्ट राज्य में तीसरा उत्तर प्रदेश है, पहला राजस्थान है, सबसे कम में केरल है। मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय है वो आरटीआई के दायरे में आ गया दोस्तों, जिसने पारित किसने किया तो ये रंजन गोगोई ने, जो हमारे पूर्व सीजीआई थे उन्होंने। स्वास्थ्य सुधार पर रिपोर्ट जो है नीति आयोग जारी करता है, उसके बारे में हमने देखा। सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट जो है 2018 हमने देखा। फैस्टैग जो है वो लागू कर दिया गया है, ये हमने देखा। फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम भी हमने देखा। कर्तव्य पोर्टल देखा दोस्तों, 70वें संविधान दिवस पर मनाया गया और इसको एक साल के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 2022 तक कंप्लीट करने की बात की गई है। भावनगर सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, ये विश्व का पहला जो है सीएनजी पोर्ट टर्मिनल होगा। कर्नल चेवांग रिंचेन क्षेत्र जो है ये लद्दाख में श्योक नदी पर बनाया गया दोस्तों। साथ ही हमने हज प्रक्रिया में जो डिजिटल किया गया है उसको देखा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ये 20वां संस्करण था वो देखा हमने। रेलवे में आरपीएफ का नाम जो है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया है वो देखा हमने। उजाला जो और SLNP योजना जो है स्ट्रीट लाइट वाली, ये हमने देखी। इसके तहत जो है LED बल्ब लगाए गए, उसका शुभारंभ जो है मई 2015 में किया गया था। राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन जिसका उद्घाटन जो है रामलीला मैदान में किया गया, इसको देखा हमने। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में हमने देखा और यह उत्तर प्रदेश पहला लागू करने वाला राज्य बना। राष्ट्र के 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसके बारे में हमने देखा। कौन यहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें थी उसको हमने देखा। गति पोर्टल के बारे में हमने देखा दोस्तों। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा यात्रा बिजनौर और बलिया में उद्घाटित की गई, उसको देखा हमने। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, उसके बारे में हमने देखा। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया, उसको हमने देखा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, उसको देखा हमने। मिशन पूर्वोदय जो है एकीकृत इस्पात केंद्र जो है कोलकाता में उद्घाटन किया गया, उसको हमने देखा। और रायसीना डायलॉग जो है 5वां संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, उसको हमने देखा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का 4था दौर शुरू हुआ, उसको हमने देखा। साथ ही ई गवर्नेंस पर मुंबई में सम्मेलन हुआ, उसको हमने देखा। और भी हमने आंध्र प्रदेश विधानसभा राजधानियों के लिए 3 विधेयक जो है विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल में यहाँ पे कार्यकारी, विधायी और न्यायिक राजधानियां खोलने का प्रावधान किया गया, उसको देखा। ग्रीन पीस रिपोर्ट 2018 हमने देखा। लुंगलेई जो मिजोरम का सबसे स्वच्छ और सबसे प्रदूषित जो है वो झरिया रहा। उत्तर प्रदेश के 6 शहर नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद शामिल रहे। महिला रोबोट जो व्योम मित्रा के बारे में हमने देखा, पहली ह्यूमनाइड रोबोट है। और भारत के 10 वेटलैंड के नाम हमने देखे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 हैं, जिनको हमने नवाबगंज, पार्वती अरंगा, सामना, पक्षी विहार, समसपुर, सांडी और सरसई जो है झील को देखा हमने। अक्षय ऊर्जा लक्ष्य जो है वो हमने देखा। और केरल में देश की पहली सुपर फैब लैब हमने देखा, वो कहा किसकी मदद से, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से। बोडो मुद्दे पर जो है वो बोडो एकॉर्ड हमने देखा, बोडो एकॉर्ड में क्या क्या प्रमुख बातें थी वो हमने देखा। डेफ एक्सपो जो है 2020 हमने देखा, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था लखनऊ में, इसका हमने देखा। डिफेंस एक्सपो इसको बोलते हैं। और COP13 जो है हमने देखा, ये कहां पर आयोजित किया गया था, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके लिए, और सुगम्य भारत अभियान जो है इसके बारे में हमने देखा। और काम्या कार्तिकेयन जो एक सबसे कम उम्र की लड़की है, 7वीं
कि छात्रा एकांकवा गुहा की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका है। तो ये पूरी जानकारी रही दोस्तों। इस पूरे पीडीएफ को लेने के लिए, पूरे कंटेंट को, पूरे साल के कंटेंट को लेने के लिए, हमारे अन्य प्रोग्राम जानने के लिए आप 8802913517 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जिसको भी कार्यक्रम छूटा है वो सभी कार्यक्रम अब धीरे धीरे पूरे कराए जाएंगे। एक हमारी बड़ी टीम के साथ हम एक बड़े प्रोग्राम में आप जल्द ही उतर रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी सभी समस्याएं, जो भी टॉपिक जो है अकेले मैं कवर नहीं कर पा रहा था, तो एजुकेटर भी कई होंगे और कंटेंट राइटर तो हमारे पास है ही कई, और इन सभी पूरी टीम के साथ एक नए तरीके से हम आ रहे हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।